नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां किस तरह से कल एक दर्दनाक हादसा सामने आता है। एक ट्रक जो है तीन छात्राओं को कुचलकर किस तरह से निकलता है, उसमें एक छात्रा जिसका नाम ज्योति है, कुरुक्षेत्रा की वो रहने वाली थी, उसकी दर्दनाक इस हादसे में जो है मौत हो जाती है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज रफ्तार में वो ट्रक वहां से निकला। हालांकि बताया जा रहा है, पहले बहुत बार शिकायतें भी जो है दी गई है कि ट्रकों को त्रावड़ी में जो सर्विस लाइन है उसके पास ना खड़ा किया जाए। वहां पर बहुत सी कंपनियां हैं, उनके अंदर जो है पार्किंग जो है बनी हुई है, उसके बावजूद सड़क पर यानी कि सर्विस लाइन पर जो है ट्रक खड़े होते हैं, जिसके चलते एक ट्रक जब वहां से इतनी तेज रफ्तार से गुजरता है, तो छुट्टी के बाद जब अपने घर के लिए छात्राएं निकलती हैं तो किस तरह से कुचल कर निकल जाता है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि त्रावड़ी, जब आप त्रावड़ी की जो है हाईवे से निकलेंगे तो आपको साइड पर लाइन जो है लाइन से बिल्कुल लगे हुए ट्रक नजर आएंगे, वहां पर सड़क नहीं बचती है अगर आपको पैदल निकलना है तो। अब एक छात्रा हमारे साथ मौजूद है जो उसी रूप से घायल, एक बार इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उस समय ऐसा क्या हुआ, ट्रक वाला मौके पर रुका या नहीं। बताया जा रहा है कि जो बंद कंटेनर टाइप ट्रक होते हैं वो था, जो कहा जा रहा है कि करनाल के पास उसे पकड़ा भी गया था। कितने बजे निकले थे आप लोग, क्या हुआ था एक्चुअली? 4:30 बजे निकल गए थे वहां से, 4:30 बजे निकल गए थे वहां से। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद एकदम से ट्रक आया, बस थोड़ी रास्ते दूर चले थे, हम सड़क पे ही आए थे, एकदम से आया ट्रक पीछे से, उसको ले गए ले दोनों को। शिवानी की हालत कैसी है? वो बहुत गाल, उसका सारा मुंह ये वो हो गया, सारे दांत टूट टूट गए। तो पहले इस मामले में शिकायतें दे रखी है लिखित में कोई? हाँ, बहुत मैम ने थाने में भी जाती थी, आई मीन ना जाती भाई, हमारे बच्चे जाते हैं वहाँ ने ट्रंक वो करो वहाँ से, आई मीन ना जाती थी मैम। तो कुछ हुआ था उसके बाद, कार्रवाई हुई थी कोई? हाँ की थी मैम ने। तो फिर उसके बाद ट्रक हटे थे वहाँ से? हाँ, जिप तो हट गए थे, फिर दोबारा और लग गया ऐसे। तो ये ट्रक वाला मौके पर रुका था कोई? नहीं, वो नहीं रुका। तो ये आसपास कोई था जिसने पकड़ा? हाँ, हमारे क्लास के लड़के थे बहुत सारे, वो बगे बगे आए, उन्होंने पकड़ा भी वो, फिर नहीं पकड़ा नहीं गया वो। कुछ ट्रक का नंबर वगैरह पता चला? हाँ, उन्होंने वीडियो बना रखी थी वो। आपका नाम क्या? गुरमीत कौर। अच्छा, और शिवानी की हालत? शिवानी की हालत बहुत घायल है, उसका सारा ये मुँह, सारे दांत टूट गए, ये मुड़ टूट गए वो हो गया। और जो ज्योति थी वो अपने परिवार, उसकी गली डेथ हो गई मैम, उसकी तो गली हो गई। परिवार में अकेले थे, कैसे थे? वो दो बहनें थी, एक भाई था वो। तो आप देख सकते हैं कि मौके पर जो है ज्योति के भाई हैं, बहुत ज़्यादा रोते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर जब एक भाई अपनी बहन को खो देगा तो उस पर क्या बीत रही होगी। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, अब जो है करनाल की कल्पना चावला मोर्चरी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल भी जो एक्सीडेंट की तस्वीरें दिखाई कि कितनी जो है दर्दनाक वो तस्वीरें थी, कि किस तरह से जो है एक लड़की को कुचल कर ट्रक निकल जाता है, उसके बाद यहाँ पर मतलब कि मुड़ के देखता नहीं है, रुकता नहीं है, उसके बाद पुलिस आती है, डायल 112 आती है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि आखिर करनाल यानी सीएम सिटी में क्या कुछ जो है हालात है और इस मामले में क्या कुछ जो है कार्रवाई होती है। एक बार यहां से अंकल जी से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ आपका कहना रहेगा अंकल जी, इस पे क्या कुछ कहना चाहोगे कि इतना दर्दनाक हादसा हो गया? बस इतना तो कह नहीं जंदा जी, जितना दर्दनाक हादसा होया नहीं जी, ये बच्ची बहुत गरीब परिवार की थी, पढ़ने के लिए कुछ करने के लिए आई थी, पर इसकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई। तो क्या लगता है, क्या मांग करोगे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इनके साथ? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। कुछ पता चला ट्रक के बारे में? हाँ जी, ट्रक के बारे में पता है, उसका नंबर भी है, और हाँ पुलिस ने पकड़ा उसको, पुलिस ने पकड़ रखा जी, थाने में गड्डी खड़ी है, इसके पास फोटो भी है, हाँ सब कुछ फोटो भी है जी, ड्राइवर की भी फोटो है। आप कौन है? मैं गोविंद माजरे से सरपंच हूँ जी। हाँ जी, और भी हादसे होते रहते हैं? हाँ जी, वहाँ पहले भी होते रहते हैं जी, कई बार कहा भी है भी है कि यहाँ गड्डी ना खड़ी करे करो, फिर भी वो वहीं गड्डी अब भी खड़ी है जी, गड्डियाँ हाँ जी अब भी खड़ी है, कंपनियों की लोड हो के आती हैं वो गड्डी, हाँ कंपनियों की लोड हो के आती है जी। तो आप देख सकते हैं यानी कि जो कंपनियां हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह से किया जा रहा है कि वहां से छात्राओं यानी कि कोई भी अगर बात करें, सिर्फ स्कूल या आईटीआई के छात्राओं की बात नहीं है, वहां पर बहुत से पैदल लोग भी निकलते हैं, मजदूर भी निकलते हैं, वहां पर इस तरह से गाड़ियां जो है खड़ी की जाती है। एक बार जो है इनसे बातचीत करेंगे, इनके पास जो है ट्रक की फोटो है, नंबर है सर, एक बार आप ट्रक की फोटो वगैरह? हाँ जी, मेरे पास है। सर आप कौन? मैं ज्योति का अंकल हूँ जी। अंकल हो? हाँ जी। तो क्या कुछ हुआ था उस टाइम?
आपको कब जानकारी मेरे पास घर से फ़ोन आया कि ज्योति का एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं पूछा भी कैसे कब, किसी ने मेरे को कुछ नहीं बताया, बोलते कि आप जल्दी से जल्दी तरावड़ी पहुँच जाओ, वहाँ पर आके आप देख लेना। मैं बोला मेरी बात करा दो, मैं अपने आप नहीं आप वो बात नहीं कर सकती, आपको जल्दी जल्दी आना पड़ेगा। पुलिस का फोन आया सर? या नहीं, मेरे पास घर से फ़ोन आया था, घर से। हाँ जी, इन्होंने घर पे फ़ोन किया, घर से फ़ोन मेरे पास आया, तो फिर मैंने तभी अपने निकल गया। जो वह क्या कार्रवाई की, क्या मांग कर रहे हैं अभी? कार्रवाई की मांग क्या, मैं चाहता हूँ भी जो भी मतलब सख्त कार्रवाई इनके प्रति हो सके इतनी आप करो। मेरे पास ड्राइवर की भी फोटो है, क्योंकि एफ आई आर हमने कल करवा दी है, और ट्रक की भी मेरे की फोटो भी मेरे पास है। हाँ, मैं दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पर जो है आपको ट्रक की फोटो दिखाते हैं कि आखिर ये सामने जो ये नंबर है इसका, ये ट्रक ना पुलिस उसमें खड़ा है, पुलिस थाने में पुलिस ने जब्त कर लिया। हाँ जी, पुलिस ने जब्त किया हुआ ट्रक। क्या नंबर है ट्रक का? ये वाला, ये ट्रक नंबर है HP12F7211। तो आप देख सकते हैं HP नंबर का जो ट्रक है। हाँ, और ये ड्राइवर भी है, जो इसका ड्राइवर है, ये ट्रक ड्राइवर है, इसको पुलिस ने पकड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस ड्राइवर को, ट्रक को जो है पुलिस ने पकड़ लिया है। तो यहाँ पर आपसे अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट कर अपनी राय दें कि किस तरह से एक परिवार अपनी बच्ची खो देता है और दूसरी बच्ची भी जो है घायल है। यानी आपसे अपील रहेगी कि वीडियो को आप शेयर करें और इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए वो भी आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बच्ची की फ़ोटो दिखा रहे हो सर, ये देख सकते हैं, ये जो है वो छात्रा है, ये गुड़िया है, देख सकते हैं आप, ये जो है गुड़िया है और इसकी 22 साल की है। ITI में ही पढ़ते? हाँ जी, ITI में, अभी दिसंबर में इसने एडमिशन लिया था। इसको मना किया कि तो मतलब नहीं गई, मेरे को ITI करनी है, फिर भी नहीं माननी, ये कहती मैं तो करके रहूँगी। हमको कल सूचना मिली थी कि ITI के बच्चों की छुट्टी हुई है, जो सूचना मिली थी कि किसी ट्रक ने बच्चों को हिट कर दिया, जिसमें है ना दो लड़के को चोट आई थी, एक ज्योति थी जो प्रेजेंट में एक्सपायर हो गई थी, और शिवानी का इलाज चल रहा है हॉस्पिटल यहीं पे सरकारी हॉस्पिटल में, और वो मौका से हमने उसको ट्रक को उधर से पकड़ लिया था, ट्रक कब्जा पुलिस में है, और वो कुलदीप नाम का व्यक्ति है, जो कमल नाम का व्यक्ति, उसको गिरफ्तार कर लिया था। तो क्या कार्रवाई रहेगी आगे? अभी इसको पोस्टमार्टम कराने के लिए आए हैं हम डेटा हाउस में, उसके बाद इसकी वारसा के बाद इलाज कर दी जाएगी, उसके बाद जो भी कार्रवाई। रिटर्न ट्रेन का मामला था? हाँ जी हाँ जी, करनाल से पकड़ा था, ये सेक्टर 4 में पकड़ा गया था, सेक्टर 4 से। सर आपका शुक्रिया। मेरा नाम हेड कॉन्स्टेबल सिंधी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पढ़ने के लिए जाने के लिए छात्रा गई है और उसके बाद उसके साथ क्या कुछ जो है हो जाता है। आपसे अपील यही रहेगी कि वीडियो को शेयर करें और इस मामले में पूरी से सख्त जो है कार्यवाही जरूर होनी चाहिए। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, मैं आरती राणा सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से, आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद।